she did not tell you everything. Smile. Smile. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो विद महरीन। तो आज मैं पराठा बना रही थी स्क्वायर शेप में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो देखिए मैं किस तरह पराठा बना रही हूँ। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि मुझसे बनता है कि नहीं बनता। ये मैंने पेड़ा ले लिया है, तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको फिर से फोल्ड करूँगी। एक साइड पे हम यूं करके घी लगा लेंगे और इसको इस तरह करके उठा लेंगे और दूसरी साइड को भी इस तरह करके उठा लेंगे। ये देखिए ऐसे ही मैंने किया था बिल्कुल। ये देखिए ये स्क्वायर शेप का बन के अब मैं इसको बेलती हूँ। बेलती मैं इसको ये मोबाइल को रख के बेलूँगी क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है और सब बेला नहीं जाए। तो ये देखें इस तरह की शेप का मेरे से ट्राइंगल बना है। इसको फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा स्क्वायर पराठा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। कितना मज़ेदार, कितना क्रिस्पी लग रहा है और खाने में बेहद मज़ेदार होता है ये पराठा। तो अब मैं इसको खाऊंगी चाय और अचार के साथ। और आप भी बनाइए और खाइए और बताइएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा। और बहुत ही आसान है, बस आपने जो थोड़ी सी ट्रिक्स है वो फॉलो करनी है और ये मज़ेदार सा पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी मेरी तो नहीं थी, अम्मी की रेसिपी थी, अम्मी ने बनाना सिखाया है मुझे और आप सबको भी, तो अम्मी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। देखिए कितना क्रिस्पी बना है और इसकी आवाज़ कितनी मज़ेदार क्रिस्पी आवाज़ है।